वेलकम बैक नाज़रीन गाल हले पई तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल SIC के जगह गाल उनन बाबत पेरू ही हले पई ECP खैर एकड़ो पैनो फैसलो बुधाए छड़ियो हो तो जके मखसूस सीट्स आइन उबे उनन के न मिलंदियूं आए पोन खा बाद में पेशावर हाई कोर्ट भी खैर उन के स्टे में रखे हुए 15 मार्च ताई आए हाँ पेशावर हाई कोर्ट यो फैसलो बुधाए छड़ियो आए तो जो इलेक्शन कमीशन जो फैसलो आए उन बरकरार रखा सो जी मखसूस सीट्स आन उ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वट नींदू और हूँ सबब यो जानन था छो तो उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट न कई सो सीट्स भी उन्होंने न मिलंद जिन नतीजे में बैरिस्टर अली जफर साहब चवन था इलेक्शन कमीशन पार्लियमानी पार्टी ए पोलिटिकल पार्टी की तशरीह में मुंझल है। सुमदाद साहब तारी तरफ अचान चाहस तो हि जो कुछ भी इन वक्त SIC से चूँ या PTI से खास करी स्ट्रैटेजी के करी रो है या हाँ उन्होंने समझ में गाल अची वही है तो असें थदो थे घुर्जे जी कलो की जी डेवलपमेंट है खैबर पख्तूनख्वा जो वो वजीर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने मुलाकात कई सो पे उन फैसले से अवं राय आ जान चाहस उन्होंने हिकमत अमली से तुम कॉमेंट कर वो इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद जो फैसलो है पे तो इमरान खान के घुरन घुर्जे तो कें उन्होंने मशवरो दिनो एक वो पॉलिटिकल पार्टी जी चूंड बिढ़ी ही को जो पो सरबराह जो है वो PTI की सपोर्ट से आजाद हैसियत तौर उन चूंड विढ़ी है सो जो एडा वा कानूनी दिमाग वेठा सजी जो सजी तहरीक इंसाफ की वकील पे हलन बैरिस्टर गोह बैरिस्टर अली जफर सरदार लतीफ खोसा शेर अफजल मरवत जिते जो नालो खड़ो सब वकील है वकील भी प्रैक्टिसिंग लॉयर ये ना जो सियासतदान हूँ ये ना हाँ उन्होंने अड़ो मशवरो दिनों जो इमरान खान साहब या PTI जहाँ है वह धुबन में वही फाथी है निकल जो मुश्किल है हाँ जो मुख्य लगे तो इन फैसले का फैसलो मुतवक हो यो फैसलो अचण हो पेशावर हाई कोर्ट समझो पे शायद उतना उन्होंने जो रिलीफ चाहन था वो मिली वे आर्जी रिलीफ मिलो पर हतमी फैसले में जो इलेक्शन कमीशन जो फैसलो बरकरार रो पॉलिटिकल पार्टी जहाँ इलेक्शन विढ़ी को जिनकी फहरिस्त जमो ही को उनके किए मखसूस सीटू दई सकन थी सो हाँ जो सवाल है वो यो है PTI जो आजाद मेंबर आन उन्होंने शमूलियत कई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में पेशावर हाई कोर्ट चाहे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नाले का पार्टी है ही को पार्लियामेंट हाँ वह क्या इन अज स्टेटस हाँ वापस ही आजाद थी तो जैसे ये आजाद मेंबर थी तो आजाद मेंबर कौमी असेंबली में सेनेट की अपोजिशन लीडर्स की जो सीट है वह उन्होंने मिली सके थी हाँ इन वही नई तशरी वही नो पंजाबी में जो नर कट्टा खुलेगा सो नो कट्टो खुल दो नो जो है सवाल उठो है तो हाँ इन हैसियत इन मेंबर की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अदालती फैसले में पार्लियामानी पार्टी मनो ही ना वो सो जो इल प्लैनिंग है इन्होंने वो ऑप्शन हो शुरू का चवन पे अच्छा जमात इस्लामी का बेहतर ऑप्शन PTI को जमात इस्लामी तकरीबन समूरन तक चूंड भी विढ़ी है जमात इस्लामी जमात इस्लामी तरफा हाँ जमात इस्लामी किथे वेण चाहे पी PTI तो जमात इस्लामी से गाल थी जमात इस्लामी उनके पॉजिटिव रिस्पॉन्स कयो हो पर जमात इस्लामी से ही पार्शल डील कन पया करण की कोशिश इन कई इन भाई कौमी असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से वेंदासी फलाने सूबे में तहां से वेंदासी यानी जमात इस्लामी की डिमांड या उनकी शर्त यह हुई तो मुकम्मल जर मेंबर शामिल करना चाहो था तो सिंध में भी शामिल करा पंजाब में भी शामिल करा KPK में भी शामिल करा मरकज में भी शामिल करा यो नो असरे हंध जो है वो जमात इस्लामी बढ़ी वो एक हंध सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बढ़ी तो इन कर जमात इस्लामी हटे जमात इस्लामी एग्री हुई जमात इस्लामी इन गाल मनी वही हुई सो इल प्लैनिंग है कें भी किस्म की का उनकी है हमारे सुन हाँ कल जो अलीमीन गंडापुर साहब उन्हीं वजीर आजम साहब से वे रहा उन्होंने बाहर निकली वजीर आजम के मैंडेट मिलो मैंडेट मिलो गजी कम कर तैयार आयो अज हमाद अजहर चे पे तो बाबा हाँ अली जफर के खबर आ तो पार्टी जो है चोरी के मैंडेट के तस्लीम करने तैयार ना है यानी अली जफर को धमकाइन पा PTI वा उनके अली अमीन गंडापुर के वजीर आला के सो खबर ही कान्ह तो पार्टी हले कि पी वो चली जा रही है हिकमत अमली अज ये खबर पे पड़ी तो पेशावर में कोर कमेटी का इजलास हो उन कोर कमेटी के इजलास में साहबजादा हामिद रजा जो रड़ी कई भी तहजा वकील उन्होंने खबर ही को हलो कि है पार्टी की हलो है केसिस की हलाना है सो ही जो भी कुछ है वो बानी PTI जो है उनकी हडदर्मी हुई।